आज हम लोग करेंगे NordPass पासवर्ड मैनेजर का डिटेल रिव्यू। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहां पर मैं डिजिटल टूल्स के रिलेटेड बात करता रहता हूं। आज हम लोग बात करेंगे पासवर्ड मैनेजर के बारे में, NordPass के बारे में। ये आता है पॉपुलर NordVPN की तरफ से, तो आज हम लोग इसका डिटेल्ड रिव्यू करेंगे। और ये नया पासवर्ड मैनेजर भी है, काफ़ी इजी टू यूज़ भी है और अफोर्डेबल प्राइजेस पर भी आता है। पासवर्ड मैनेजर एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ इस चैनल पर। मैंने रिसेंटली बेस्ट पासवर्ड मैनेजर का वीडियो भी किया था, वो आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। तो बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं इसके यूज़र इंटरफेस से। सो जैसे ही आप लोग इसमें यहाँ पे लॉग इन करेंगे, इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर वेब इंटरफेस नहीं आता है, आपको इसका डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इस तरह का आपको इसका डेस्कटॉप ऐप दिखने को मिलेगा एंड इन माय ओपिनियन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंटरफेसेस आउट देयर। काफ़ी ईजी टू यूज़ है, मॉडर्न इंटरफेस है। इजीली हम लोग इसको फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इजीली यहाँ पर हम लोग इसको एडिट भी कर सकते हैं। आइकन्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, शेयर्ड आइटम्स भी अलग से आपको अवेलेबल हैं। तो यूज़र इंटरफेस के मामले में काफ़ी अच्छा है NordPass। सिक्योरिटी की बात करूं तो यहाँ पर जो इंक्रिप्शन इन्होंने यूज़ किया है, जीरो नॉलेज तो है ही, साथ में यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है X4420 करके एक इंक्रिप्शन आता है। ये AES 256 बिट जो कि एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है, उससे ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस है। अभी तक दोनों को कोई क्रैक नहीं कर पाया, दोनों ही अच्छे हैं एंड ये भी अच्छा है। एंड इट इज़ गुड टू सी कि उन्होंने थोड़ा एक एडवांस इंक्रिप्शन का यहाँ पे यूज़ किया है। फिर यहाँ पर इनके जो सिक्योरिटी ऑडिट्स है वो भी हुए हैं, QR53 ने यहाँ पर इसका ऑडिट किया है। ऑडिट से हमें यह पता चलता है कि जो भी स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से उनका फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, एक्चुअल में जीरो नॉलेज है भी कि नहीं है, तो ऑडिट यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। QR53 ने एक्सप्रेस VPN, NordVPN, सर्फशार्क, बिट वार्डन, इन सब के भी ऑडिट्स किए हुए हैं। फिर यहाँ पर आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन अच्छा है। मोबाइल में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। सो सिक्योरिटी के मामले में NordPass इज़ गुड। डेटा ब्रीच रिपोर्ट्स की बात करूँ तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। डेटा ब्रीच स्कैनर है जो कि डिसेंट है, नॉट द बेस्ट बट इट इज़ गुड। फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड की रिपोर्ट्स भी देखने को मिल जाती है, वीक पासवर्ड कितने, रीयूज पासवर्ड कितने, ओल्ड पासवर्ड कितने। नाउ NordPass में आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेटर ऐप इनबिल्ट नहीं मिलता है, जैसे कि आपको 1Password में मिलता था। 1Password का भी मैं डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ, वो आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। आपको एक सेपरेट ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि ऑथी। तो मैं पर्सनली तो यही रिकमेंड करता हूँ कि दोनों को अलग अलग रखो, लेकिन अगर आप लोग ऐसे बंदे हो या बंदी हो जिसको सेम ही यूज़ करना है तो फिर NordPass में वो फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है। डिवाइसेस की बात करूँ तो विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड, iOS, लिनक्स सब पे अवेलेबल है। एक्सटेंशंस की बात करूँ तो क्रोम, फायरफॉक्स, एज, ब्रेव, ओपेरा, सफारी सब पे ये आपको मिल जाएगा। इट्स गुड टू सी कि सफारी, ओपेरा और ब्रेव इन तीनों का भी सपोर्ट है। इनका क्रोम एक्सटेंशन कुछ इस तरीके से दिखता है, सो अगेन इट इज़ क्लीन, ईजी टू यूज़, कोई यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे फेस करने को नहीं मिली है इनके एक्सटेंशन पे। एक जो इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए वो ये है कि इनका जो क्रोम एक्सटेंशन है वो बिना डेस्कटॉप ऐप के काम नहीं करेगा। हालांकि इनका डेस्कटॉप ऐप जो है वो काफ़ी लाइट है, लेकिन आपको डेस्कटॉप ऐप यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसी के बाद आप लोग इनका एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हो। सो ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी ले आता है, क्योंकि आपको सर्वर से सिर्फ तभी कनेक्ट होना पड़ता है जब आप लोग एडिट या फिर ऐड करते हो कोई आइटम को, और एडिट और जो ऐड फीचर्स है वो आपके ऐप पर ही होते हैं, क्रोम एक्सटेंशन पर नहीं होते हैं। लेकिन थोड़ी कन्वीनियंस भी चली जाती है क्योंकि आपको ऐप भी इंस्टॉल करना पड़ता है। नाउ इससे पहले मैं वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मुझे NordPass ने किसी भी तरह भी इस वीडियो के लिए स्पॉन्सर नहीं किया है। जो भी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वो मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियंस है। हालांकि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करोगे तो मुझे कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए। इनफैक्ट आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ही मिलेगा। सो थैंक यू टू everyone हु सपोर्ट्स मी बाय यूजिंग माई लिंक्स। इट रियली हेल्प्स मी कि मैं इस तरह के अनबायस डिटेल्ड रिव्यू वीडियोज आप लोगों के लिए ला पाऊँ। थैंक यू। अब अगर मैं इसके पासवर्ड जनरेटर की बात करूं तो जैसे हम लोग एक्सटेंशन पे जाते हैं, इनका जो पासवर्ड जनरेटर है वो आपको इनके ऐप पे मिलता है, ना कि इनके एक्सटेंशन के ऊपर। पासवर्ड जनरेटर इजी टू यूज़ है, हालांकि इसमें मुझे बहुत सारे ऑप्शंस नहीं देखने को मिलते हैं। पास फ्रेज का भी इसमें मुझे ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, तो इट इज़ डिसेंट। मोबाइल ऐप्स की बात करूँ तो काफ़ी क्लीन एंड ईजी टू यूज़ है मोबाइल ऐप्स। iOS, एंड्रॉयड मुझे किसी में भी प्रॉब्लम कुछ फेस करने को नहीं मिली है। एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी है, बायोमेट्रिक भी है, सो दैट्स गुड। ऑटोफिल की बात करूँ तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे इनके टेक्स्ट फील्ड्स के ऊपर, यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा कि आपको कौन सा फिल करना है, एंड देन आप लोग सिलेक्ट करके इसको ऑटोफिल कर सकते हो। अब यहाँ पर जो पर्सनल इन्फो रहेगा उसको भी ऑटोफिल किया जा सकता है। पहले पर्सनल इन्फो का ऑटोफिल का ऑप्शन नहीं था, रिसेंटली ही पर्सनल इन्फो भी ऑटोफिल में आ चुका है।
टाइप्स ऑफ डेटा स्टोरेज की बात करूं तो यहाँ पर आपको पासवर्ड्स तो ऑब्वियसली मिल जाते हैं, सिक्योर नोट्स का ऑप्शन है जिसको एडिट करना इजी है, यूज़ करना भी इजी है, क्रेडिट कार्ड्स डाल सकते हो और पर्सनल इन्फो भी डाल सकते हो। पर्सनल इन्फो में नेम और एड्रेस वगैरह आ जाता है आपका। एनक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज की बात करूं तो यहाँ पर आपको एनक्रिप्टेड स्पेस नहीं मिलती है, हालांकि इन लोगों का एक सेपरेट प्रोडक्ट है नॉर्ड लॉकर के नाम से, इसमें आपको एनक्रिप्टेड स्टोरेज मिल जाती है। यहाँ पर आपको 3 GB तक की फ्री एनक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज मिल जाती है, तो दैट इज़ गुड, क्योंकि दूसरे जो प्रोवाइडर्स हैं वो आपको 1 GB की देते हैं उनके प्रीमियम प्लान में, यहाँ पर आपको फ्री में ही मिल जाती है नॉर्ड लॉकर के थ्रू। लेकिन यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन अच्छा फिलहाल के लिए देखने को नहीं मिलता है। आई एम होपिंग ये तीनों जो प्रोडक्ट्स हैं नॉर्ड लॉकर, नॉर्ड VPN और नॉर्ड पास, तीनों का इंटीग्रेशन आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। एट प्रेजेंट यहाँ पे दोनों में, तीनों में कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है। नॉर्ड लॉकर की बात करूँ तो इस तरह का यहाँ पे उसका इंटरफेस दिखाई देता है आपको। फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे टेस्ट करने के लिए यूज़ किया है, मेरे पास यहाँ पे 500 GB है, तो फ्यूचर में मैं इसका भी रिव्यू ले आऊँगा। फिलहाल के लिए आप लोग ये सोचो कि नॉर्ड पास के पास एनक्रिप्टेड स्टोरेज नहीं है, अगर आपको एनक्रिप्टेड स्टोरेज चाहिए तो फिर नॉर्ड लॉकर की तरफ आप लोग देख सकते हो, फ्री में 3 GB आपको मिल जाता है। शेयरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे शेयर करना काफ़ी इजी है, सिक्योरली यहाँ पे शेयर किया जा सकता है। तो जैसे मान लो मुझे यहाँ पे शेयर करना है डीगो का, मैं यहाँ पे इस पर शेयर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस डाल दूंगा जिस पे भी मुझे, जिसको भी यहाँ पे शेयर करना है, फुल राइट्स ये कि लिमिटेड राइट्स ये। फुल राइट्स मतलब यहाँ पे सब कुछ एडिट कर सकता है, पूरा जो मेरे पास परमिशन रहेगी वो सामने वाले के पास भी रहेगी, और किसको शेयर करना है वो ये भी डिसाइड कर सकता है। लिमिटेड राइट्स मतलब वो यहाँ पे ज़्यादा एडिट नहीं कर सकता है, सिर्फ उसको यूज़ कर सकता है। तो दोनों यहाँ पे अच्छे हैं, पहले यहाँ पे लिमिटेड राइट्स का नहीं था, रिसेंटली ही लिमिटेड राइट्स का भी यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मैं लिमिटेड राइट्स कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, और इसकी जो मुझे खास बात ये भी लगी है कि अब मुझे यहाँ पे ऑल आइटम्स में नहीं ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे शेयर पे आइकन किसका है, सिर्फ मैं यहाँ पे डायरेक्ट शेयर्ड आइटम्स पे चले जाऊँगा और मुझे दिख जाएगा कि मैंने कौन कौन से पासवर्ड्स को शेयर करके रखा है। रिवोक करने के लिए मैं राइट क्लिक करूँगा, शेयर पे जाऊँगा, लिमिटेड राइट्स पे रिवोक कर देंगे और एक्सेस रिमूव्ड। तो शेयरिंग की फंक्शनैलिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है नॉर्ड पास की। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करूँ तो क्योंकि नॉर्ड पास नया है तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट के बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, बिट वार्डन, लास्ट पास, माइक्रोसॉफ्ट एज की पास कीपर, तो इंपोर्ट के यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट इन इम्पोर्ट्स नॉर्ड पास, क्योंकि ये नया है तो ये लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग इस पासवर्ड मैनेजर पर आए, तो इन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया है कि इम्पोर्ट के लिए यहाँ पे हर मेजर जो भी पासवर्ड मैनेजर है उसके ऑप्शंस दे दिए हैं, और एक्सपोर्ट भी यहाँ पे इजीली हो सकता है। सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको लाइव चैट सपोर्ट देखने को मिल जाता है, काफ़ी फास्ट है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैट सपोर्ट राइट नाउ पासवर्ड मैनेजर के लिए, क्योंकि पासवर्ड मैनेजर में हमें यूजुअली चैट सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि नॉर्ड के लिए यहाँ पे नॉर्ड VPN वाली ही टीम है, तो जो चैट सपोर्ट है इनका अच्छा है, इजीली आपको मिल जाता है, फास्ट भी है, रिस्पॉन्सिव भी है, वन ऑफ द बेस्ट इन सपोर्ट नॉर्ड पास। फिर यहाँ पर नॉर्ड पास के पास उनका ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स वाला फीचर भी है, बेसिकली यहाँ पर आप किसी को ऐड कर देते हो कि ये मेरा एक ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट है, आप लोग यहाँ पे ईमेल आईडी उनकी ऐड कर देते हो एंड देन उनसे आप लोग सिक्योरली पासवर्ड्स को यहाँ पे शेयर कर सकते हो। सो ये अच्छा फीचर है, लेकिन कोई ऐसा भी फीचर नहीं है कि एकदम से स्टैंड आउट कर दे नॉर्ड पास को, इट इज़ अ गुड फीचर बट एकदम कोई ऐसा आग नहीं लगा देगा ये। रिकवरी ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पर रिकवरी के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अगर आप लोग यहाँ पे मास्टर पासवर्ड भूल जाते हो तो जब आप लोग साइन अप करते हो, साइन अप के टाइम पे आपको एक रिकवरी कोड मिलता है, उस रिकवरी कोड को आपको संभाल के रखना है। अगर कभी आपका पासवर्ड आप लोग भूल गए तो फिर बिना रिकवरी कोड के आप लोग इसको रिकवर नहीं कर सकते हो, चाहे ईमेल रिसेट कर लो, कुछ भी कर लो, फॉरगेट पासवर्ड कर लो, कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, वो रिकवरी कोड आपको काफ़ी संभाल के सिक्योरली रखना है। अब अगर यहाँ पर मैं इसके प्लान्स के बारे में बात करूँ तो आपको फ्री वाला भी मिलता है, प्रीमियम वाला भी मिलता है। पहले हम लोग फ्री वाले के बारे में बात कर लेते हैं। फ्री में अनलिमिटेड पासवर्ड्स है, नोट्स और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, सिंक अक्रॉस ऑल डिवाइसेस, लेकिन आपको सिर्फ एक ही एक्टिव डिवाइस मिलता है। मतलब अगर आप लोग इसको फ्री में यूज़ करोगे तो मैंने अपने फ़ोन पे इसको लॉगिन कर लिया, फ़ोन से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अब अगर मुझे डेस्कटॉप से इसको एक्सेस करना है तो जैसे ही मैं इसको डेस्कटॉप से एक्सेस करूँगा ये मेरे फ़ोन से लॉग आउट हो जाएगा। फिर अगर मुझे फ़ोन में एक्सेस करना है तो मुझे इसमें फिर से लॉग इन करना पड़ेगा और ये मेरे डेस्कटॉप से लॉग आउट हो जाएगा। तो एक एक्टिव डिवाइस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दिन भर इसे अपने फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ, 24 घंटे यूज़ कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं एक से ज़्यादा एक्टिव डिवाइसेज में इसको यूज़ करता हूँ तो वो दूसरे डिवाइस से मुझे लॉग आउट कर देगा इनके फ्री वाले प्लान में। फिर आपको ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स का फीचर नहीं मिलता है, आइटम शेयरिंग का फीचर नहीं मिलता है,
पासवर्ड हेल्थ और डेटा ब्रीच स्कैनर भी नहीं देखने को मिलता है। सो फ्री वाला प्लान उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको इसको ट्रायल करके देखना है या सिर्फ एक ही डिवाइस में इसको यूज करना है। अब अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूं, अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक पे जाओगे तो आपको एक महीना फ्री में मिल जाएगा अगर आप लोग इनका 2 साल का प्लान लोगे। और जो इनकी ओरिजिनल प्राइसिंग रहती है वो रहती है $36 एक साल के लिए। ये एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग है जो कि आपको पासवर्ड मैनेजर के लिए मिलेगी। 1Password की भी सेम है, लेकिन NordPass में मैंने इसको अफोर्डेबल क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स बीच बीच में देखने को मिलते हैं। एट प्रेजेंट भी यहाँ पर एक सेल चल रही है 70% की। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ग्रैब द डील पे क्लिक करूँगा, जैसे ही आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक पे जाओगे, जो भी सेल रहेगी उसका ऑटोमेटिकली कोड अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अभी इसका ऑफर चल रहा है वो ये है कि $36 में आपको 2 महीने मिलेगा, 2 साल मिलेगा और 1 महीना फ्री भी मिलेगा। तो ये जो सेल है ये बीच बीच में इनकी आती रहती है। पिछली बार इनकी साइबर मंडे के टाइम पर आई थी, ब्लैक फ्राइडे के टाइम पर, और अभी यहाँ पर इनकी ये विंटर सेल भी चल रही है। तो हर 3-4 महीने में इनकी सेल्स आपको देखने को मिलती रहेगी और 36 पे 2 साल के लिए काफ़ी अच्छा प्राइस पॉइंट पे आता है। और इनकी फैमिली प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी है। इनका जो फैमिली प्लान रहता है इसमें 5 अकाउंट्स आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको एक से ज़्यादा NordPass चाहिए अपने फैमिली के लिए चाहिए, या फिर अगर आप लोग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो जो साथ में यूज़ कर सकते हो, तो फिर जो इनका फैमिली वाला प्लान है वो भी काफ़ी अच्छा है। $4 per month में आपको, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो, अगर आप लोग NordPass का फैमिली वाला प्लान ले रहे हो तो जितनी आपको NordPass के 2 सेपरेट प्लान्स की प्राइसिंग पड़ेगी, उतने में यहाँ पर आपको 5 अकाउंट्स मिल जाएंगे इनके NordPass के फैमिली वाले अकाउंट में। अब यहाँ पर आपको ट्रायल किसी भी तरह का नहीं मिलता है, आपको फ्री वर्जन मिलता है, लेकिन आपको प्रीमियम वर्जन का ट्रायल नहीं मिलता है। हालांकि आपको 30 डे की यहाँ पर रिफंड पॉलिसी मिलती है, तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग 30 डे में यहाँ पर रिफंड क्लेम कर सकते हो, आपको ईजिली आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। पेमेंट ऑप्शन की बात करूँ तो इंटरनेशनल क्रेडिट और डेबिट कार्ड का यहाँ पर ऑप्शन है। अब अगर यहाँ पर मैं 1Password वर्सेज NordPass के बारे में बात करूँ तो 1Password इज अ बेटर प्रोडक्ट एज अ होल, लेकिन NordPass जहाँ पे एक्सेल करता है वो है इसका इजी टू यूज इंटरफेस। इसकी प्राइसिंग काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसिंग पर आता है और जो इसमें शेयरिंग फंक्शनैलिटी है वो भी 1Password से ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपको एक कंप्लीट प्रोडक्ट चाहिए तो फिर आप लोग 1Password की तरफ देख सकते हो, उसका भी रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो अब अगर मैं इसके कुछ प्रोस के बारे में बात करूँ तो NordPass में सिक्योरिटी ऑडिट्स किए गए हैं, ये पैनामा में बेस्ड है जो कि 14 आईज के बाहर आता है। इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है, फोल्डर्स दिए गए हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए, शेयरिंग फीचर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, इजी टू यूज़ है, लाइट वेट है, NordVPN की तरफ से आता है, इनका सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल प्राइसिंग है। एंड पर्सनली स्पीकिंग मेरी इस पासवर्ड मैनेजर से काफ़ी हाई होप्स है, क्योंकि जो इसमें टीम है वो NordVPN की ही टीम है। तो फ्यूचर में आई एम होपिंग कि ये लोग और अच्छे अच्छे फीचर्स लाते रहेंगे। अब अगर मैं इसके कुछ कॉन्स के बारे में बात करूं तो इनका वेब ऐप नहीं है, इनका जो क्रोम एक्सटेंशन है वो बिना डेस्कटॉप ऐप के यहाँ पे काम नहीं करता है। NordPass अभी भी थोड़ा नया है एंड यहाँ पर आपको फाइल अटैचमेंट के ऑप्शंस नहीं देखने को मिलते हैं। हालांकि आपको NordLocker का सेपरेट अकाउंट आप लोग बना सकते हो, लेकिन कोई यहाँ पे प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं है एट प्रेजेंट। सो क्या आपको NordPass लेना चाहिए? NordPass को मैं एक एडवांस पासवर्ड मैनेजर नहीं बोलूँगा एट प्रेजेंट, लेकिन जो इसका यूज़र इंटरफेस है, जो इसके शेयरिंग ऑप्शन है, जिस प्राइसिंग पे आता है, ये काफ़ी अच्छी डील ये बन जाती है फॉर बिगनर्स। अगर मुझे अपने डैड को रिकमेंड करना हो तो फिर मैं NordPass रिकमेंड करूँगा, अगर मुझे किसी को फैमिली में रिकमेंड करना हो तो NordPass इज़ द वन दैट आई एम गोइंग टू रिकमेंड। यहाँ पे कोई फैंसी फीचर्स नहीं दिए गए हैं, या फिर ऑटोमेटिक पासवर्ड चेंज हो रहा है, ये सारी फैंसी चीज़ें यहाँ पे नहीं दी गई है। जो ये बेसिक काम करता है वो अच्छा करता है, सिक्योरिटी के साथ में करता है एंड ईजी टू यूज़ है। सो फॉर मी NordPass इज़ अ गुड ऑप्शन टू रिकमेंड टू माई फैमिली मेम्बर्स, जिनको ज़्यादा एडवांस फीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ईजी टू यूज़ चाहिए। फैमिली मेम्बर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए जो ज़्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो NordPass मैं उनको रिकमेंड करूँगा इस प्राइस पॉइंट के ऊपर। और फैमिली प्लान भी इनका काफ़ी अच्छा है। और अगर किसी को ज़्यादा फीचर्स चाहिए देन आई एम गोइंग टू रिकमेंड 1Password। 1Password, NordPass, सबका डिस्काउंटेड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे लिंक का यूज़ करके, वीडियो को थम्सअप कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग रिव्यू वीडियोज़ के लिए। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।